हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आपकी मैम रेनु मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग पांच, द्वादश पाठ है, पाठ 12। धेनु अस्माकं माता, गाय हमारी माता है। सब बच्चे जानते हैं कि गाय क्या होती है, गाय कैसी होती है, कितने रंग की होती है, गाय हमें क्या देती है, गाय हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि गाय हमारी माता है, कैसे हम गाय को अपनी माता मानते हैं। आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर यहाँ ये ग्वाला बैठा हुआ है, गाय का दुग्ध निकाल रहा है, गाय घास खा रही है, घर के आगे गाय को बांधा हुआ है। अहलौकिक परलौकिक श्रेय साधनस्य धर्मस्य गावः प्रधान अंगम। इस लोक में और परलोक में भी श्रेय का साधन और धर्म का प्रधान अंग है गाय। इस लोक में भी और परलोक में भी धर्म का प्रधान अंग क्या है? गाय है। यथा माता पुत्रम रक्षति पालयति तथैव धेनुरपि रक्षति पालयति दुग्धादिना। जिस प्रकार माँ हमारी रक्षा करती है, माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार गाय भी हमारा पालन पोषण करती है दूध आदि देकर। अति सरला मधुरा इयम आकृति, इसकी बनावट से बहुत ही सरल और वैसे बहुत मधुर है। धेनु तृणानि चरित्वा मानवेभ्य अमृतमयम दुग्धम ददाति। गाय घास खाकर मनुष्य को अमृत के समान मीठा दूध देती है। खाती तो क्या है, घास खाती है, लेकिन मीठा दूध देती है। धेनवा ही श्वेता कपिला कृष्ण पीता कर्बुराश्चेति नाना वर्णा वर्तन्ते। गाय कितने रंगों की होती है? श्वेता सफेद, भूरी, काली, पीली और चितकबरी अनेक रंगों की होती है। कृषि प्रधान भारतस्य धेनव एव सर्वस्वम वर्तते। कृषि प्रधान भारत की धेनु ही, गाय ही सब कुछ है, गाय ही उनका सब कुछ है। वो जाता नाम बलावर्दी नाम चिति उपलब्धा नाम इक्षुरस शर्करा गुणादि नाम सम्मिश्रणे प्रगुणी कृतय गव्य एव पायस घृताधि निर्मित अनेक विधि मिष्टान प्रतिदिनम रसास्वादन अनुभवन्ति जना। गाय के द्वारा बने हुए, गाय से उपलब्ध गाय का गन्ने का रस, शक्कर यानी कि चीनी, गुड़, उनके मिश्रण से बने हुए गाय के दूध और घी और अनेक प्रकार की मिठाइयों से प्रतिदिन हम उनका रसास्वादन करते हैं। गाय के दूध से ही अनेक प्रकार की चीजें बनती हैं, दही, दूध, है ना, मिठाई और घी, ये सब किससे बनती है? गाय के द्वारा दिए गए दूध से ही बनती है, जिनका कि हम रसास्वादन, जिनका कि हम पान, जिनको कि हम पीते हैं। वो दुग्ध दधि घृतई शरीराणि पुष्टानि भवन्ति। गाय के दूध से, गाय के दूध से दही बनती है और घी बनता है, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ होता है। आयुर्वेद शास्त्रेषु दुग्धेषु गोदुग्धमेव उत्तम दुग्धम सर्व रोगेषु गोदुग्ध स्यै वोपयोगः क्रियते। आयुर्वेद शास्त्रों में गाय के दूध से को उत्तम बताया गया है और सभी रोगों में गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कैसा भी रोग हो जाए, अगर गाय का दूध पियोगे तो आपको बहुत फायदा देगा। धेनो घृतम बलवर्धकम भवति। गाय का जो घी होता है वो भी हमें गवाम सेवया लौकिकम श्रेय लभ्यते। गायों की सेवा से क्या होता है? सांसारिक कल्याण होता है। गायों की सेवा से सांसारिक कल्याण होता है। इतिहास एवात्र प्रमाणम। और ये इतिहास का यही प्रमाण है, इतिहास में यही बात मानी जाती है कि गाय के, जो गाय है उसकी सेवा करने से सांसारिक हमारा कल्याण होता है। को न जानाति यद रघुवंशा वतंसो राजा अभिनिको गो सेवया पुत्र जन्म देवे। कौन नहीं जानता कि गऊ की सेवा करने से ही राजा दिलीप को पुत्र संतान की प्राप्ति हुई थी। गौतम शिष्यस्य सत्कामस्यापि गौ सेवयेव तत्वज्ञानं बभूव। और गौतम ऋषि को भी
क्योंकि यहाँ तक कि अच्छा अच्छाई की इच्छा रखने वाले, कि सब कुछ अच्छा हो, ऐसी इच्छा रखने वाले जो शिष्य गौतम थे, उनको भी गौ की सेवा के माध्यम से ही तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने भी गौ सेवा की थी, उनको भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एकस्मिन प्रसंगे गोपालक गोचारणम प्रसंगे श्री कृष्ण वदति स्म। एक प्रसंग में, एक चरवाहे के प्रसंग में श्री कृष्ण ग्वालों से गाय के चराने के विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं, गावो समाग्रतः संतु गावो में संतु पृष्ठतः गावो में सर्वतः संतु गवाम मध्य वसाम्यहम। क्या कहते हैं श्री कृष्ण ने क्या कहा है उसमें चरवाहों को, उन्होंने कहा है गायों को मेरे आगे रहने दो, गावों को मेरे पीछे रहने दो, गायों को मेरे चारों तरफ रहने दो और मैं गायों के बीच में निवास करूं, गायों के बीच में मैं बसूं, यानी कि मैं निवास करूं, गायों के बीच में ही मैं रहूंगा। इतना महत्व गाय का है कि भगवान श्री कृष्ण भी गायों के ही साथ रहते थे, गायों के ही साथ हमेशा जाते थे, घूमने के लिए भी उनके साथ हमेशा गाय रहती थी, गायों से वो इतना प्रेम करते थे। श्री कृष्ण गायों को सबसे अधिक प्रेम करते थे, उनके घर में इतनी सारी गायें थी फिर भी वो सभी गायों को बहुत प्रेम करते थे। भारतीय संस्कृति धेनु मातरम मान्यते, भारतीय संस्कृति में गाय को माँ के समान माना जाता है। वस्तुतः सा मातैव, निश्चित रूप से वो माता ही होती है। सा सर्वाण्यपि साम्येन पालति, वह सभी को कैसे पालती है, एक समान व्यवहार से गाय सभी को पालती, ये नहीं कहती कि ये दूध मेरा लेने आया है तो मैं इसको कड़वा दूध दूंगी या ये गंदा आदमी है तो मैं इसको गंदा दूध दूंगी। वो सबको समान रूप से समान व्यवहार करती है सबका और एक सा ही दूध देती है। गवाम सेवया लौकिकम श्रेयः, दुनिया की सेवा करने की अपेक्षा गायों की सेवा करना ही बेहतर है, बढ़िया है, और लोगों की सेवा करने से अच्छा है। लोग कितने कितने जानवर पालते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो सेवा का फल मिलता है वो गाय की सेवा से मिलता है, इसलिए गाय पालनी चाहिए। और गाय पालने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, हम बाजार का गंदा दूध नहीं पियेंगे, हमारे सामने जो दूध निकलता है हम वही पियेंगे और उसी दूध से पीकर हमारा मन मस्तिष्क शरीर सब स्वस्थ रहता है। उसी दूध से घी बनता है, घी मक्खन दही मिठाइयाँ खीर ये सब बनते हैं, ये उसी दूध से बनते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य लाभ होता है जिनसे, और हमारी बुद्धि भी उनसे अच्छी होती है। और गाय की सेवा करने का फल इतना मिलता है कि राजा दिलीप को भी गाय की सेवा करने से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उन्हीं के सेवक जो गौतम थे उन्होंने भी अच्छाई की इच्छा रखने वाले कि मुझे सब कुछ अच्छा हो, उनको भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि गाय की सेवा करना कितना लाभदायक होता है। पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। अहलौकिक माने इस लोक में, पारलौकिक माने दूसरे लोक में, दुग्धादीना माने दुग्ध आदि से, कर्बुरा चितकबरी, सर्वस्व माने सब कुछ, गोजाता नाम माने गाय से उत्पन्न, बलिवर्धा माने बैल, इक्षुर से गन्ने का रस, सम्मिश्रण सम्मिश्रण से यानी कि मिलने से, निर्मित अनेक विधायी मिष्ठाने अनेक प्रकार की मिष्ठाएं मिठाइयों द्वारा बनाए गए, बलवर्धक माने ताकत देने वाला या शक्ति देने वाला, गवाम सेवया गाय की सेवा करने से, रघुवंशावतो रघुकुल में उत्पन्न, गौतम शिष्य गौतम ऋषि के शिष्य गौ सेविये व गाय की सेवा से ही, एकस्मिन प्रसंगे एक प्रसंग में गवाम मध्य वसाम्यहम। अभ्यास कर रहे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है धेनु किमेव रक्षति पालयति च, धेनु गाय में किसकी तरह पालती रक्षा करती है। यथा माता पुत्रम रक्षति पालयति तथैव धेनुरपि रक्षति पालयति च, जैसे माँ हमारी रक्षा करती है वैसे ही धेनु भी हमारी रक्षा करती है। धेनु का वर्ण भवंती, गाय किस किस रंग की होती है, धेनु श्वेता कपिला कृष्ण पीत कर्बुराश्चेती नाना वर्णा भवंती, अनेक रंगों की होती है। गो जाति नाम बलावर्दी नाम कृपा जना प्रतिदिन किम अनुभवंती, गो जाता नाम बलावर्दा नाम जना प्रतिदिनम रसास्वादनम अनुभवंती,
इतिहासे किम प्रमाणम गवा सेवया लौकिकम श्रेयम लभ्यते इतिहासे इति प्रमाणम। गोपाल कहे कृष्ण किम वदती, कृष्ण ने क्या कहा ग्वालों से, गावो समप्रतः संतु, गावो पे वसंतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गाय ही मेरे आगे हो, गाय ही मेरे पीछे हो, गाय ही मेरे सब तरफ हो, चारों तरफ हो, और मैं उन गायों के बीच में निवास करूं, मैं उन एक्सरसाइज नंबर टू, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है डैश दुग्धेशु गो दुग्धमेव उत्तम दुष्टम सर्व रोगेशु गो दुग्ध स्यैव वो योगः क्रियते। आयुर्वेद शास्त्रेषु, आयुर्वेद शास्त्रेषु दुग्धेषु, आयुर्वेद शास्त्र में गाय का दूध ही उत्तम दूध है और सर्व रोगों में गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। को न जानते यद रघुवंशा पतंसो राजा दिलीप को वो सेवया पुत्र जन्म लेभे। सब जानते हैं कि राजा दिलीप को गाय की सेवा करने से ही उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। भारतीय संस्कृति धेनु मात्रम मन्यते, भारतीय संस्कृति में गाय को माँ के समान मानते हैं। एकस्मिन् प्रसंगे गोपालक है गोचारण प्रसंगे श्री कृष्ण वदति, एक प्रसंग में गोपालक है गोचारण प्रसंग में श्री कृष्ण बोलते हैं। भारतीय संस्कृति धेनु नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, हिंदी में अनुवाद करना है हमें। कुछ वाक्य यहाँ संस्कृत में दिए हैं जिनका गाय दूध आदि से हमें हमारी रक्षा करती है और पालती है। गाय दूध आदि से हमारी रक्षा करती है और पालती है। धेनु कृतम बलवर्धकम भक्ति, गाय का घी शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है कृषि प्रधान भारतस्य धेनवः एवं सर्वस्यं वर्तन्ते, नेक्स्ट है कृषि प्रधान भारतस्य धेनवः एवं सर्वस्यं वर्तन्ते, कृषि प्रधान भारत में गाय ही एकमात्र संपत्ति है। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति धेनु मात्रम मन्यते, भारतीय संस्कृति में गाय को माँ के समान मानते हैं। नेक्स्ट है सा सर्वाण्यपि साम्येन पालति, वह सभी का समान रूप से पालन करती है। एक्सरसाइज नंबर फाइव, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गाय भी दूध देकर बच्चे को पालती है, धेनुरपि दुग्धादीनां बालं पालयति। गाय सफेद पीली काली अनेक रंगों की होती है, धेनवः श्वेता पीता कृष्ण अनेका वर्णा भवन्ति या भवति। यह घास चरती है, अयम तृणम चरति। इसका दूध मानव के लिए अमृत है, अस्य दुग्धः मानवानां अमृततुल्य भवति। गाय का घी शक्तिदायक होता है, धेनु घृतम एक्सरसाइज नंबर सिक्स, वाक्य बनाने हैं क्वचिदपि, माता क्वचिदपि कुमाता न भवति। नेक्स्ट है पुनश्च सह पुनश्च पाठम अपठत, गो जाता नाम इक्षुरसः स्वादिष्टः भवति। बलिवर्दा बलिवर्दानां चिति शर्करा आदि जना प्रतिदिनं रसास्वादं कुर्वन्ति। गावः धर्मस्य प्रधान अंगः अस्ति। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखते हैं। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके हमें लिंग विभक्ति और
वचन बताने हैं। पहला है कर्मुरा। कर्मुरा क्या है? स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इक्षुरस है पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। मिष्ठान्नै नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। और गंगा सेवया स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। धेनवे स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तो इस प्रकार आए हुए शब्दों के हमने लिंग विभक्ति और वचन के विषय में जाना। एक्सरसाइज नंबर 8 संधि विच्छेद करो। कुछ शब्द दिए हुए बच्चों जिनका की हमें संधि विच्छेद करना है, जैसे धेनु रपि, धेनु प्लस अपि, धेनु रपि। तथैव, तथा प्लस एव, तथैव। गवाम सेवया, गवाम प्लस सेवया। दो अलग अलग शब्द है ये गवाम सेवया। रसास्वादन, रस प्लस आस्वादन, आस्वादनम। और आइए धेनवे, धेनु प्लस वे। रस के लिए आस्वादन, रस का षष्ठी विभक्ति पद है रसस्य, रसस्य आस्वादन। तृण चतुर्थी विभक्ति समस्त पद में तृणाय। आयुर्वेद तृतीय विभक्ति समस्त पद में आयुर्वेदेन। धेनु पंचमी विभक्ति समस्त पद धेनव। दुग्ध चतुर्थी विभक्ति समस्त पद दुग्धाय। तो इस प्रकार हमने निर्देश के अनुसार शब्द की रचना की। रचनात्मक कार्य इसमें हमारा है बच्चों कि गाय हमारी माता है, इस पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। बहुत आराम से लिख सकते हैं आप गाय हमारी माता है। इस वाक्य को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। गाय हमें क्या क्या देती है, गाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, गाय हमारी किस प्रकार रक्षा करती है, गाय हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है, हम गाय को क्या क्या खिलाते हैं, गाय क्या क्या खाती है, हमें क्या क्या देती है, गाय के दूध से क्या क्या बनता है, ये बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। और अपने होमवर्क की कॉपी में